हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी बाय शेख तस्नीम। अर्लियर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द डिफरेंट टॉपिक्स ऑन द चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशंस। द टॉपिक्स वर पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल कॉजेज। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑन द टॉपिक इकोनॉमिक कॉजेज। इससे पहले मैंने आपको द फ्रेंच क्रांति के बारे में मैंने आपको समझाया था और उसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स के बारे में मैंने समझाया था, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, और आज मैं आपको आर्थिक कारण के बारे में समझाऊंगी। क्योंकि बिकॉज ओनली वन रीज़न वॉज नॉट देयर टू ब्रिंग द रेवोल्यूशन इन द फ्रांस। सिर्फ एक ही कारण काफ़ी नहीं था क्रांति लाने के लिए फ्रांस में, उसके कई कई कारण होते हैं। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग मोमेंट लेट मी एक्सप्लेन यू द टॉपिक द इकोनॉमिक कॉजेज। द इकोनॉमिक कॉजेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट द इवोल्यूशंस इन फ्रांस। द मेन इकोनॉमिक रीजंस वर द फॉलोइंग। आर्थिक कारणों के ने फ्रांस में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य आर्थिक कारण आपको अभी मैं बताने जा रही हूँ। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है फिजूल खर्ची। एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ द रूलिंग क्लास लेड टू द इकोनॉमिक क्राइसिस। नो डिफ्रेंसिएशंस वॉज मेड बिटवीन द पर्सनल इनकम ऑफ द रूलर एंड दैट ऑफ द स्टेट। देयर वॉज नो रिस्ट्रिक्शंस on the luxurious way of living adopted by the kings। The debt of France rose to almost 8 crore dollars। शासक वर्ग की फिजूल खर्ची के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। शासक की व्यक्तिगत आय और राज्य की व्यक्तिगत आय के बीच कोई भी अंतर नहीं किया गया था। राजाओं द्वारा अपनाए गए विलासितापूर्ण जीवन, दैट मीन्स द लग्जूरियस लाइफ, आराम की जिंदगी, फिजूल खर्ची जीवन जीने के तरीकों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। फ्रांस का कर्ज बढ़कर लगभग 8 करोड़ डॉलर हो गया था। On account of the wars waged by Louis XIV, the national debt of France increased. Louis XV worsened the economic condition of France by participating in Austria's war of successors. Louis XIV द्वारा छोड़े गए युद्धों के कारण फ्रांस का राष्ट्रीय ऋण, ऋण का मतलब होता है कर्ज, बढ़ गया। लुई फिफ्टीन ने ऑस्ट्रेलिया के अंतर उत्तराधिकारों युद्ध में भाग लेकर फ्रांस की आर्थिक स्थिति और भी खराब कर दी थी। और ब्रिटेन के खिलाफ 7 साल का युद्ध छिड़ गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी समर्थन ने वित्तीय समस्या, पैसों की समस्याओं को और बढ़ा दिया था। And the Seven Years' War against Britain, the French support the American War of Independence, further added to the financial problem. The taxation policy of France was faulty. The aristocracy and the nobility, which had the ability to pay,
were exempted from paying the taxes. The peasants and common men were burdened with heavy taxes. Taxes were collected by contractors who recovered the dues at their will and misappropriated a part of the taxes for their own benefit. फ्रांस में कराधान जो कि कर है, कर नीति दोषपूर्ण थी. द कलेक्टिंग ऑफ द टैक्सेस दैट वॉज मिस अप्रोप्रिएटेड. अभिजात वर्ग और कुलीन वर्ग जिनके पास भुगतान करने की क्षमता थी को करों को का भुगतान करने से छूट दे दी गई थी कि वो भुगतान करें या ना करें कर का, उनके ऊपर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही थी, ना ही उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही थी. किसानों और आम लोगों पर भारी करों का बोझ डाला गया. ठेकेदारों द्वारा कर एकत्रित किया जाता था. जो ठेकेदार थे जिन्होंने जिम्मेदारी ले रखी थी कर जमा करने की, उनके ऊपर था और वे इस विषय में कुछ ज़्यादा जोर नहीं दे रहे थे. वो अपनी मनमानी और अपनी इच्छा अनुसार बकाया राशि की वसूली करते थे और अपने लाभ के लिए करों के एक हिस्से का दुरुपयोग करते थे. वो कर तो लेते थे, वसूली करते थे गरीबों से, आम जनता से, और उसमें से भी एक हिस्सा अपने पास रख लेते थे. Thus, the extravagant of the ruling class and the defective and disorganized tax system pushed the French economy to the crisis point and triggered the revolution. इस प्रकार शासन वर्ग की फिजूल खर्ची और दोषपूर्ण और अव्यवस्थित कर प्रणाली जो कर को जमा करने की जो विधि होती है, उसने फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था को संकट के बिंदु पर ढकेल दिया और क्रांति की शुरुआत हुई. दिस वॉज द रीजन चिल्ड्रेन वाई द फ्रेंच हैड द रिवॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द लग्जूरियस लाइफ, बिकॉज ऑफ द मोनार्क हु वॉज एन एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन. नॉट ओनली द मोनार्क बट इवन हिज वाइफ, both were habituated to live a luxurious life. They were only interested in their own personal life. They never faced the problem of the people. They never come in touch with the common people, that what kind of problem they are having, what problem they are suffering with. They only indulge in their own life, in their own luxurious life. Not only the king, even all his ministers were also the same way. They were living their luxurious life. All the burden was blamed, forced on the common people. इसी तरीके से फ्रांस में क्रांति आई. फ्रांस के राजा ने अपनी पूरी तरीके से एक लग्जूरियस लाइफ, राजशाही जिंदगी जी. ना ही राजा बल्कि उनकी रानी ने भी उसी तरह से ज़िंदगी जी और एक अच्छी, एक बहुत ही आलिशान ज़िंदगी उन्होंने बिताई अपने साथ. और ना ही सिर्फ राजा और रानी का ये हाल था वहाँ पे, बल्कि
उनके जितने भी मंत्री थे उन्होंने भी उसी तरह से अपनी ज़िंदगी जी, और राजा मिनिस्टर जितने भी मंत्री थे सब एक ही ज़िंदगी जिए, आम जनता के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा, और यही वजह बनी कि फ्रांस में क्रांति आई। दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक आई हैव कंप्लीटेड ऑन द इकोनॉमिक कॉजेज ऑल्सो। द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग यू विद द न्यू टॉपिक, मोस्ट प्रोबली आई विल बी शेयरिंग द टॉपिक ऑन सिविक्स। सो इफ यू फाइंड माई वीडियो वर्थफुल एंड इज वेरी informative, so kindly subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for the further information on different topics which I'll be coming with. Till then, goodbye, take care.